सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा गाय का मांस मतलब बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी का मालिक एक ब्राह्मण हिंदू है। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार आने के बाद से ही पिछले 5 सालों में देश में केवल एक ही उद्योग जो फल फूल रहा है वे है बीफ निर्यात उद्योग। भारत के बीफ निर्यात में पिछले समय से 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया का नंबर एक बीफ निर्यातक बन गया है और उसने ब्राजील को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। बता दें भारत में बीफ की 6 सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनियों में से 4 कंपनियां हिंदू ब्राह्मणों की हैं। ब्राह्मण इस व्यवसाय को कर रहे हैं। बता दें गोमांस को लेकर आए दिन दलित और मुसलमानों की पिटाई की जा रही है। उन्हें पिट पिट कर उनकी जान तक ली जा रही है। कहते हैं जो लोग जितना मशहूर होते हैं उन्हें किसी भी चीज में आप जितना दबाते हैं वो उतनी ही तेजी से ऊपर उठते हैं। इसी कहावत का एक नमूना है भारत में बीफ का कारोबार है। हालांकि भारत में तो बीफ को लेकर खूब हंगामा किया जाता है। माना जाता है कि यह हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी समर्थक ही है। लेकिन इस सब के बीच मोदी सरकार में कोई एक इंडस्ट्री अगर देश में आगे बढ़ी है तो वो है बीफ इंडस्ट्री ही है। आपको बता दे जो लोग अमेरिका में रहते हैं या कभी रहते थे वे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की सबसे लोकप्रिय बीफ कंपनी का नाम मेटाडोर है। मेटाडोर के उत्पाद पेप्सिको द्वारा बेचे जाते हैं। बता दे पेप्सिको अमेरिका में अधिकतम गाय का मांस परोसती है जिसको ज्यादातर भारत से ही निर्यात किया जाता है। बता दें कि अमेरिका में बीफ का मतलब गाय है न कि भैंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से गाय के मांस के व्यापार में और एक सपोर्ट में 15% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद भारत बीफ एक सपोर्ट में ब्राजील को 2 नंबर पे धकेल कर नंबर 1 पर आ गया है। बता दे दुनिया भर की सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई करने वाली कंपनियों में से एक की मालिक ब्राह्मण है जिनका नाम इंदिरा नुई है, जो तमिल ब्राह्मण है जो भारत अक्सर आती रहती हैं और मंदिरों का दौरा भी करती हैं जहां वो धार्मिक क्रिया करती हैं। बता दें नुई की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी कई बार हुई है। मेटाडोर प्रोडक्ट्स जो कि नुई की कंपनी पेप्सिको के जरिए बाजार में आता है जो अमरीका में एक मशहूर ब्रांड है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।